नमस्कार। आज हम जन सरोकार मंच के इस महत्वपूर्ण अंक में कथाकार कवयित्री उर्मिला शुक्ल जी के को लेके आए हैं। उर्मिला शुक्ल जी का मैं थोड़ा सा परिचय करा दूं। उर्मिला शुक्ल वर्तमान में कॉलेज में प्राचार्य का पद निभा रही हैं। उर्मिला शुक्ल जी एमए हिंदी साहित्य और पीएचडी डीलिट हैं। आपको सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया था। वर्तमान में आप आपने डीलिट भी किया हुआ है। आप कई शोध पत्र, आपके 200 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। 80 शोध पत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो हुए हैं और होते रहे हैं। आप कहानी और कविताओं में आपकी पकड़ है, आप लगातार लिखती हैं। वर्तमान में उर्मिला जी ने बिन देवढ़ी का घर नाम का उपन्यास लिखा है, जिसे दो भागों में प्रकाशित किया जा चुका है। स्त्री विमर्श को लेकर उनके इस उपन्यास को रेखांकित, हिंदी समाज को उसको रेखांकित करना हिंदी समाज का दायित्व है और कर्तव्य भी, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं, अब समाज में महिला कथाकारों ने महिला शब्द को हटाकर सिर्फ कथाकार के रूप में एक बृहत फलक पर अपनी कहानियां कविताओं के माध्यम से समाज को दिशा देने का प्रयास कर रही हैं। मैं अपनी बातचीत शुरू करने से पहले उर्मिला जी को आमंत्रित करूंगा। उर्मिला जी अपने विषय में थोड़ा सा बताएंगी, संक्षिप्त में बताएंगी कि आप खुद को किस तरीके से बताना चाहेंगी समाज के सामने। उर्मिला शुक्ल को स्वयं लेके आएंगी। उर्मिला शुक्ल, स्वागत है। उर्मिला जी, आप अपने विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आप सबको नमस्कार। आभार जन सरोकार मंच का कि मुझे कुछ कहने का अवसर मिला यहाँ। नीरज जी, मैं कहना चाहूंगी अपने विषय में कि जिस तरह से बहुत आसान सा लेखन लोगों के जीवन में आता है, वैसा आसान लेखन मेरे जीवन में नहीं आया। मेरे घर में पढ़ने लिखने का कोई माहौल नहीं था और मान्यता ये थी कि अगर कहानी उपन्यास कोर्स से अलग अगर पढ़ती है लड़की तो निश्चित रूप से वो बिगड़ जाएगी, इसलिए बड़ा प्रतिबंध था। तो मैंने हिंदी में एमए किया और एमए करने के बाद जब मैं पहला इंटरव्यू देने गई तब मैंने इंटरव्यू नाम की कविता लिखी और वह कविता आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित भी हुई। तो इस तरह से मेरे लेखन की शुरुआत हुई। फिर मैं लिखने लगी। कादंबनी पत्रिका के प्रवेश अंक में मेरी चार रचनाएं छपी थी। उन दिनों एक लेखक को एक पूरा पन्ना मिला करता था, आजकल तो एक कविता ही छपती है, अब तो बंद हो गई है पत्रिका। तो इस तरह से लेखन जो है बढ़ा, आगे चला। कहानी की शुरुआत जब मैं बिलासपुर में थी तो नया नया आकाशवाणी बिलासपुर खुला था। जैसा कि पूरे देश की स्थिति है कि कवियों की तो भरमार रहती है लेकिन कहानी लेखन थोड़ा कष्ट साध्य होता है, समय भी मांगता है, इसलिए कह करके कहानियां लिखवानी शुरू की गई वहां से और मैंने फिर कहानी लिखना शुरू। मैं बहुत आसानी से, मुझे कुछ भी नहीं मिला है, पर्याप्त संघर्ष किया है मैंने इसके लिए। यहाँ तक कि पढ़ाई जो कि सबको बहुत आसानी से हमारे समय में सुलभ थी, मेरे साथ की सारी जो मेरी
सहपाठी थी उन सब ने बिना किसी बाधा के एमए तक की पढ़ाई की थी, लेकिन मेरे जीवन में वह भी नहीं था बिना बाधा के। मैंने बीए के बाद, चूंकि बीए के फर्स्ट ईयर में जब मैं थी, 11th मैंने जब पास किया था, तभी मेरा गौना हो चुका था विवाह के बाद, तो मैंने सारी पढ़ाई प्राइवेट की और फिर पीएचडी की और नौकरी में आई। और नौकरी में आने के बाद मैंने अपने लेखन को साधा और इस तरह मैं लेखन में सक्रिय हुई। मैं अपने आप को और किस तरह से बताऊं समझ में नहीं आता, अपने विषय में बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मेरा लेखन स्त्री केंद्रित है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्त्रियों के जीवन में समस्याएं तो सबके जीवन में है, लेकिन स्त्रियों के जीवन में दोहरी समस्याएं होती हैं, उनके लिए बाधाएं भी बहुत होती हैं, उनके लिए कोई भी मार्ग आसान नहीं होता। ज्यादातर रचनाएं मेरी, ज्यादातर क्या, लगभग लगभग सभी रचनाएं मेरी छत्तीसगढ़ को लेकर के लिखी गई हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की समस्याएं, इनको मैंने अपने लेखन का आधार बनाया है, चाहे कविता हो चाहे कहानी हो और चाहे अभी प्रकाशित उपन्यास हो। तो इस तरह मैंने अपने लेखन को अपने अंचल पर केंद्रित किया है। सही कहा उपन्यास जी उर्मिला जी। नहीं, तो उर्मिला जी, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे बातचीत के दौरान कि उर्मिला जी, आपकी कहानी जीवन यात्रा का, कहानी के जीवन यात्रा क्या की शुरुआत कहाँ से है, उस जिसको कह सकते हैं कि आपने कहानी लिखना कब से शुरू किया, और उसकी यात्रा के पीछे की कुछ रोचक बात हो, या कैसे आपने शुरू किया, इससे अपनी अपने श्रोताओं को बताइए, अपने दर्शकों को बताइए। जी कहानी की शुरुआत मेरी कविताओं के बाद हुई। मैं सरायपाली में उन दिनों रहती थी, वहां मेरी पोस्टिंग पहली पोस्टिंग थी और 1985 की बात है ये। तो 1985 में गांव में एक घटना हो गई थी, एक स्त्री जो थी उसके पति की मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु के बाद जिस तरह से दूसरी शादी या चूड़ी पहनाने की जो प्रथा है हमारे छत्तीसगढ़ में, उसके लिए उस पे जिस तरह से दबाव डाला गया, उसको आधार बना करके मैंने पहली कहानी लिखी थी सहारा, जो कि कहीं प्रकाशित नहीं हुई, मैंने कहीं भेजा ही नहीं उसे, लिखा और लिख करके भूल गई थी। फिर उसके बाद जिसे मैं पहली कहानी कह सकूं, वह मेरी कहानी प्रकाशित हुई समाज कल्याण पत्रिका दिल्ली से, जिसका शीर्षक था कौवा हकनी। यह कहानी उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि में स्त्रियों की समस्या को लेकर के लिखी गई थी और इसे मैं अपनी पहली कहानी मानती। इस तरह से कहानी की शुरुआत हुई। फिर मैंने जैसा अभी बताया था कि आकाशवाणी बिलासपुर को कहानीकारों की जरूरत थी कहानी प्रसारण के लिए, तो फिर मैंने लिखना शुरू किया और लगातार मैंने कहानियां लिखी, और मेरा पहला संग्रह पांडुलिपि प्रकाशन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुआ और वहीं से प्रकाशित हुआ 1995 में। तो इस तरह से पहला संग्रह मेरा 1995 में प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था अपने अपने मोर्चे पर। उसके पश्चात लिखती रही मैं बीच में, फिर छत्तीसगढ़ राज्य बना और छत्तीसगढ़ी लेखन की आवश्यकता महसूस की गई, तो विद्वानों ने, यहाँ के साहित्यकारों ने मुझसे कहा कि आप छत्तीसगढ़ी में लिख सकती हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ी में लिखिए, हिंदी में तो बहुत लिखने वाले हैं। तो फिर 2001 से पहले 1999 में मैंने छत्तीसगढ़ी में लिखना शुरू किया, और छत्तीसगढ़ी में मेरा पहला कहानी संग्रह, जो किसी लेखिका का पहला प्रकाशित कहानी संग्रह है छत्तीसगढ़ी में, वह प्रकाशित हुआ गोदना के नाम से। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ी में ही खंड काव्य मैंने लिखा, महाभारत मां द्रौपदी। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ी कविताओं का संग्रह छत्तीसगढ़ के औरत प्रकाशित हुआ, और इसके साथ ही दो समीक्षा की किताबें भी
छत्तीसगढ़ी में प्रकाशित हुई, और अभी 2 साल पहले छत्तीसगढ़ी साहित्य के इतिहास को लेकर के एक छोटी सी किताब आई है, जिसमें विविध विधाओं के उद्भव और विकास और उनकी स्थिति पर लिखा गया है। तो ये मेरी कहानी की यात्रा रही, और मैंने जब छत्तीसगढ़ी में लिखना शुरू किया तो हिंदी में लेखन मेरा पीछे छूट गया, और फिर जैसा कि समय के साथ लोग भूल जाते हैं तो मुझे भूलने लगे थे। फिर जब मेरा कहानी संग्रह मैं फूलमती और हिजड़े प्रकाशित हुआ 2015 में, तब फिर से मैं हिंदी जगत में चर्चा में आई, और इस संग्रह को स्पेनिन साहित्य गौरव पुरस्कार भी मिला, और इस संग्रह की कहानियां बहुत ज्यादा पसंद की गई, और पूरे छत्तीसगढ़ में तो सभी लगभग लगभग सभी ने पढ़ी है ये कहानी। कुछ ही लोग होंगे जिन तक शायद नहीं पहुंची होगी, क्योंकि हाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन पाठक मंच चलाता था, और ये पाठक मंच के में पढ़ी जाने वाली किताब रही। तो इस तरह से मैं पुनः कहानियों में लौटी, और 15 के बाद मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, बिंडोड़ी का घर, जो कि 20 में 2020 में प्रकाशित हुआ अनुज्ञा बुक्स से। फिर उसका दूसरा भाग बिंडोड़ी का घर भाग 2, ये एक ही शीर्षक से 2 उपन्यास हिंदी साहित्य के इतिहास में अज्ञेय के बाद पहली बार ऐसा प्रकाशन आया जो एक ही शीर्षक से 2 उपन्यास लिखे गए हों। तो इस समय कहानी और उपन्यास पे बराबर लेखन चल रहा है। कहानी थोड़ी पीछे छूट रही क्योंकि उपन्यास बहुत समय लेता है, लगातार उपन्यास लिखने में समय लग रहा है, फिर भी बीच बीच में कहानियां लिखती रही हूँ, छप भी रही हैं, प्रसारित भी हो रही हैं। तो इस तरह से लेखन चल रहा है। इस बीच मैंने 2 यात्रा संस्मरण भी लिखे हिंदी में। एक यात्राएं उस धरा की जो धरोहर है हमारी, ये साहित्यकारों के जन्म स्थानों की यात्राओं का विवरण है, संस्मरण है। इसमें सुमित्रानंदन पंत, वल्लभाचार्य, आचार्य केशव, हमारे छत्तीसगढ़ के मुकुटधर पांडे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गजानन माधव मुक्तिबोध, इन सबको लेकर के लिखा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी, इन सब के जन्म स्थानों की यात्राएं मैंने की, और वहां जो यथास्थिति देखी उसका मैंने वर्णन इसमें किया है। तो मुझे लगता है कि साहित्यकारों के जन्म स्थानों की यात्राओं को लेकर के शायद ये पहली किताब होगी। संस्मरण तो बहुत लिखे गए हैं, लेकिन इस तरह से साहित्यकारों के जन्म स्थानों को लेकर के संभवतः नहीं लिखा गया, जहां तक मेरी जानकारी है। तो इस तरह लेखन शनै शनै आगे बढ़ रहा है। अभी मैं एक उपन्यास मैंने पूरा किया है, अब प्रकाशनाधीन है। एक कहानी संग्रह भेजा है, कल ही पोस्ट किया है प्रकाशन के लिए। तो इस तरह मैं लेखन में अब निरंतरता लाने की कोशिश कर रही हूँ। आपने बताया आपकी शुरुआत छत्तीसगढ़ी लेखन से आपने शुरुआत की और शुरुआत तो मैंने आपको हिंदी लेखन से की, एक हिंदी से संग्रह की, भी आ फिर गया था मेरा। बीच में आप छत्तीसगढ़ी की ओर मुड़ी, फिर जी छत्तीसगढ़ी से बिल्कुल मुड़ के आपको लगने लगा कि कहीं हिंदी समाज आपको बिसरा ना दे, बिसर ना जाए, विसुर ना जाए, और जी। आप फिर से सिर्फ हिंदी मुझे की नहीं ओर आए। लगा नीरज जी, मतलब हाँ मेरे जो शुभचिंतक थे वो भी, हाँ 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 उन्होंने भी मेरे शुरू मेरे किया। कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसा लगने लगा कि कहीं जी हम जी वो ना हो जाए कि हम भुला ना दिए जाएं। और लेखक की जी वाजिब चिंता है कि कई बार वो उसके कौशल पे उसको खुद लगने लगता है कि कहीं मैं इस चीज से वंचित ना रह जाऊं, या मैं लिखना छोड़ देने से कहीं मैं भूला तो ना जाऊं। उर्मिला जी, आप छत्तीसगढ़ी में भी पर्याप्त लेखन किया है, हिंदी में भी लेखन किया है, और लेखन सतत प्रक्रियारत है। मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूंगा। उर्मिला जी, आप एक स्त्री हैं, जी निश्चित ही पुरुष की तुलना में स्त्री का दायित्व तो परिवार और समाज के प्रति ज्यादा होता है, ये वाजिब सी बात है।
आप स्त्री जी के साथ साथ कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, आपका एक शासकीय दायित्व भी है, लेखन बहुत ज्यादा समय भी लेता है, चूंकि मैं जी लेखक हूं तो मुझे पता है कि यदि हम लिखने बैठे, यदि वर्किंग आवर में उसको डिवाइड करें तो एक कहानी कम से कम 20 दिन हमको ले लेती है हमको लिखने में। कितना जी भी आप उसमें किसी भी तरीके से लिखें, लगभग 10 से 20 दिन की कहानी, भले आपके ड्राफ्ट फर्स्ट ड्राफ्ट 2 दिन में आ जाए, फिर उसके बाद उसका जो कटिंग है, काटना छाटना, उसको अलग तरीके से सजाना, वो लगभग लग ही जाता है। इतना कुछ होने के बाद, इतनी व्यस्तता के बाद, आप अपने आप को कहानी लेखन की ओर या कविता लेखन कर लेती हैं, कैसे संभव होता है? कैसे समय निकालती हैं उर्मिला जी अपने पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए, इतने सारे काम करते हुए आप इतना विस्तार से लिख रही हैं? ये वास्तव में बड़ी प्रेरणादायी है। मैं जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप कैसे समय निकाल लेती हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? जी देखिए, ना तो पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन में कमी की जा सकती है, ना ही नौकरी के दायित्वों में कमी की जा सकती है। तो दायित्व तो पूरी तरह से निभाने के बाद जो अपने लिए समय बचता है, जिसमें लोग आराम करते हैं, जिसमें लोग दोपहर में सोते हैं, वो मैंने लेखन के लिए रखा। और आज जब से मैंने नौकरी शुरू की है, तब से लेकर के आज तक मैं दोपहर में कभी सोती नहीं हूँ। लौट कर जब मैं आती हूँ तो जो 2-3 घंटे का जो समय मुझे मिलता है नौकरी और पारिवारिक दायित्व के बीच, उसी में मैं अपना लेखन करती हूँ। और इस तरह से मैं अपने लेखन को जारी मैंने रखा है। बहुत इसीलिए बहुत ज्यादा मैं नहीं लिख पाती हूँ। साल में 3-4 कहानियों से ज्यादा कभी मैंने नहीं लिखा। मुझे एक कहानी के लिखने में कम से कम 2 महीने का समय लगता है, क्योंकि समय कम मिल पाता है। तो और बहुत लिखना आदत में भी नहीं, जैसे लोग कहते हैं मैं तो 4 पेज रोज लिखता हूँ या 2 पेज रोज लिखता हूँ लिखती हूँ, तो वो ऐसा भी नहीं है। मन भी बहुत मायने रखता है इसमें। जब मन होता है तब लिखती हूँ, और फिर पारिवारिक व्यवधान या शासकीय व्यवधान आ जाते हैं तो छूट भी जाता है। बहुत सारी कहानियां अधूरी रह गई हैं इसी चक्कर में। तो बस नौकरी और घर के बीच अपने लिए जो समय है, उस समय को मैंने साहित्य के लिए रखा है, और उसी समय में मैं साहित्य रचना कर पाती हूँ। निश्चित रूप से कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अपना आराम खो करके ही मैंने साहित्य को पाया है। क्या बात है, आप अपने आराम को, और कहीं पे प्रेमचंद जी ने लिखा भी है, मैंने उसको कोट यहाँ पे करना चाहूंगा कि लेखक भी एक मजदूर की तरह होता है, उसका जब वो खाना खाता है, जब वो अन्य क्रिया करता है और उसने लेखन करने की बात सोच ही ली है, तो लिखना उसका दायित्व तो भी होता है, उसको लिखना ही चाहिए। और यदि बिल्कुल आप लिख रही हैं, इतना कुछ लिख रही हैं, तो वास्तव में अच्छी बात है लिखना। उर्मिला जी, आप कहानी तो लिखती ही हैं, साथ में कविता भी लिखती हैं। यहाँ पे यदि कोई आपकी ऐसी प्रतिनिधि कविता आपको याद आ रही हो जिसको आप सुनाना चाहें, तो श्रोता दर्शकों के लिए अपनी एक कोई कविता सुनाइए, उसका मैं यहाँ पे मंच से स्वागत करूंगा। जी, अभी अभी 2021 में मेरा एक कविता संग्रह आया है, गढ़ रही है औरत। तो ये शीर्षक कविता मैं यहाँ पर सुनाना चाहूंगी। गढ़ रही है औरत, एक औरत कूट रही है धान, एक औरत कूट रही है धान,
ढेकी में धान के साथ कूट देना चाहती है वह सारी बाधाएं जो खड़ी हो जाती हैं अक्सर उसके सामने। एक औरत पछोर रही है अनाज, एक औरत पछोर रही है अनाज, भूसी की तरह उड़ा देना चाहती है अपने सारे दुखों को। एक औरत चला रही है छेनी, गढ़ना चाहती है वह पत्थर पर एक इबारत। एक औरत लिख रही है अपनी कथा, उसे नहीं बींधते कामदेव के बाण। प्रिय की याद में आपा भी नहीं खोया है उसने, वह खड़ी है धरती पर, उसने किया है संकल्प कि वह बदल देगी सारे मिथक। उसने किया है संकल्प कि वह बदल देगी सारे मिथक जो उसे करते हैं कमजोर, बना देते हैं उसे सिर्फ देह। औरत गढ़ रही है अपना वजूद, औरत गढ़ रही है अपना वजूद। क्या बात है, औरत न सिर्फ अपना वजूद गढ़ रही है, यदि उसको विशाल फलक पे देखें, उसकी संरचना को अगर हम थोड़ी विस्तार से देखें, तो औरत अपने आप के साथ साथ पूरे समाज के देह को गढ़ रही है, पूरा पूरी सृष्टि को गढ़ रही है। यदि लोग कहते हैं कि अर्ध नारीश्वर की बात करते हैं, तो निश्चित ही यदि औरत, उसके बावजूद उर्मिला जी आप देख रहे हैं कि वर्तमान में बहुत सारे क्लेश व्याप्त हैं औरतों को लेकर। कई बार औरतों को लेकर जी हम समाज एक तरफा हो जाता है, कई बार लव जिहाद जैसे बातें बातों जी का की बातें आने लगती हैं, जिसमें ये कहने लगता है कि उसमें भी अब अभी आपने देखा होगा एक बहुत विभत्स घटना घटी, जिसमें कि एक युवती के 36 टुकड़े कर दिए गए और उसको फेंक दिया गया। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैंने देखा और देखकर दुख भी हुआ कि वहां पे लोगों ने स्त्री को ये कहने कहना शुरू किया कि अरे इसके इसकी क्या आवश्यकता थी कि वो लड़की मुसलमान के प्रेम में पड़ गई। एक कंट्राडिक्टरी टॉक का एक पैनल चल चल निकला था। उर्मिला जी, प्रेम की कविताएं भी आपने लिखी हैं, और प्रेम चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों का अधिकार है। इस विषय में आपकी कविताओं को लेकर आप कितना सोचती हैं, और यहाँ पे महिलाओं के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, मेरा तो सारा का सारा लेखन ही महिला केंद्रित है, और महिलाओं को लेकर के मैं जो मेरे विचार हैं ये है कि महिलाएं तो बदल गई हैं, लेकिन समाज, पुरुष समाज नहीं बदला है, वो वहीं का वहीं खड़ा है, वो बदलना भी नहीं चाहता। और ये सारी स्थितियां इसीलिए आ रही हैं जो आपने अभी बताया, जिस तरह की घटनाएं, वो सब इसी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। तो सबसे पहले बात तो पुरुष समाज को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। जहां तक प्रेम का सवाल है, तो प्रेम तो ये नहीं देखता कि वो कौन सी जात है या कौन सा धर्म है या कौन व्यक्ति है, वो प्रेम तो प्रेम है, वो तो होता है। लेकिन समाज में जिस तरह से उसका वर्गीकरण किया जाता है, जिस तरह से उसके जब ऐसी घटनाएं घट जाती है तो जिस तरह की स्थितियां आती हैं, वो पुरुषवादी समाज की मानसिकता है, और इस मानसिकता को बदलने की बहुत जरूरत है। बीच में आप महिला, मैं थोड़ा सा वो करूंगा अपन जी चर्चा। महिलाएं कहती हैं हमेशा पुरुष पुरुषवादी या पुरुष अहंकार है, समाज पुरुषवादी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस पुरुषवादी समाज के गठन में भी कहीं ना कहीं महिला जिम्मेदार है? अब मैं एक छोटा सा उदाहरण से अपनी बात कहूंगा। कई बार पति और पत्नी दोनों
सर्विस करते हैं, सर्विस करके आए होते हैं, घर में उनकी माँ होती है, पत्नी को, जो पति और पत्नी दोनों आते हैं, तो पत्नी को काम करने के लिए प्रेरित करने वाली या ताना देने वाली उसकी सास होती है, बोलती है जल्दी जाओ, तुम्हारा पति भी आया है, उसको चाय दो, खाना दो, नाश्ता दो, पानी दो। तो यहाँ पे महिलाओं को भी क्या नहीं अपने विषय में सोचना चाहिए कि भाई मतलब इसमें मैं तो, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा महिलाओं का भी हाथ है। कई बार स्त्री हिंसा में भी आप ध्यान दी होंगी कि महिलाओं का बड़ा ब्रूटल योगदान होता है। बहू को जलाने की बात जब आती है तो उसमें कई बार सास फ्रंट पे होती है। तो यहाँ पे पुरुष समाज को सरासर, यानी एक एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर देना, मैं इस विषय में आपकी बात करना चाहूंगा ताकि महिलाओं को ये लगे, चेतना में आए। जी, मैं अपनी बात इस विषय में कहना चाहूंगी। दरअसल जो आपने पहला उदाहरण दिया कि दोनों नौकरी करके आते हैं और माँ कहती है, तो उस माँ की कंडीशनिंग उसी तरह से हुई होती है। उस माँ को ये बताया जाता है कि तुम पिता की सेवा के लिए बनी हो, तुम्हारा पिता को खुश रखना चाहिए, भाई को, फिर पति को, फिर पुत्र को। वेदों में कहा ही गया है कि बचपन में पिता के अधीन, फिर युवावस्था में पति के अधीन, फिर बुढ़ापे में बेटे के अधीन। तो ये अधीनता उसको घुट्टी में घोल घोल के, घोल घोल करके पिलाई जाती है। तो ऐसी स्त्री से तो हम अपेक्षा नहीं रख सकते ना कि वो स्त्री के पक्ष में बोलेगी, वो तो पुरुष के पक्ष में बोलेगी, वो अपने बेटे के पक्ष में बोलेगी, क्योंकि बेटा ही उसके बुढ़ापे का सहारा होने वाला है, ऐसा उसे लगता है। दूसरी बात, आपने जो दहेज में जो जला देने की बात कही, मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूंगी, अगर पुरुष का हाथ ना हो तो अकेली महिला किसी महिला को जला नहीं सकती। पीछे से सपोर्ट होता है पुरुष समाज का, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। और जो न्यायिक प्रकरण है, जो न्यायालय की बात है या थाने की बात है, वहां जो निपटाया जाता है वो तो पुरुषों के द्वारा ही निपटाया जाता है। तो केवल पुरुष महिलाओं के कंधे पे रख करके बंदूक चलाई जाती है, महिलाएं दोषी सिद्ध हो जाती हैं, पूरा दोष पुरुष समाज का होता है। और मैं मानती हूं ये कि सोचिए, हमारे घरों में सब्जी तक पुरुष की पसंद की बनती है, ठीक है, आपके घर में भी बनती रही होगी, आपकी मम्मी वगैरह, पिताजी, अरे तुम्हारे पिताजी मिर्ची नहीं खाते, अरे तुम्हारे पिताजी ये नहीं खाते, तो जो पति को पसंद होता है वही बनता है। फिर बाद में बेटे में आ जाती है बात। तो जिस परिवार में या जिस समाज में पुरुष की पसंद का खाना बनता है और उसकी पसंद के बगैर या उससे इलाहदा खाना तक नहीं बनता है, वहां इतनी बड़ी बात स्त्री कैसे कर लेगी, कैसे वो किसी स्त्री को अकेले जला लेगी या सारा सारी घटनाओं को खुद ही अंजाम दे देगी और पुरुष जो है वो रोकता रहेगा। क्या पुरुष रोकता है? क्या पुरुष जो पूरी तरह से कंट्रोल, पूर्ण रूप से कटघरे में लाने की बात कर रहा था, अपन एक थोड़ा सा पीछे चले, प्रागैतिहासिक बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं। यहाँ पर राम को दशरथ ने वनवास की सजा दी, सीता उस काल की बहुत विदुषी थी, सीता ने जिद ठान लिया, उर्मिला वहीं रह गई और वो पति के इंतजार में रह ली, सीता जिद पे अड़ गई कि नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्षमा करिएगा। वहां पे सीता का कर्तव्य ये भी बन सकता था कि मेरे पति जा रहे हैं तो इस राज्य के उनके पीछे उनकी पूरी सेवा करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो कई जगहों पे, मैं किसी को कटघरे पे नहीं ला रहा हूँ, महिलाओं को ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात का अन्यथा नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो समाज की घटित घटनाएं हैं उसमें कई बार महिलाओं का भी पूरा योगदान रहता है। उर्मिला जी, आप कहानी के तत्वों की बात अपन करते हैं,
अभी वर्तमान समय में बहुत सारी कहानियां, कहानी के नए नए टेक्नोलॉजी पे कहानियां लिखी जा रही हैं। कहानी, छोटी कहानी, लघु कथा, कहानी, उपन्यास, अब तो अकहानी, जिसमें कई आप देखेंगी कई ऐसी कहानियां हैं जिसमें उसके कथानक भी नहीं है, और लगने लगता है कि अरे ये तो बहुत जटिल कहानी है। अभी गीता श्री जी की जो कहानी है रेत समाधि, उसको ही आप पढ़ने बैठे तो 50-60 पेज पढ़ते पढ़ते आपको कहानी उबाऊ लगने लगती है, लगता है कि अरे समझ में नहीं आ रही है। तो क्या ऐसी कहानियां समाज को, पाठक वर्ग को दूर नहीं कर रही हैं? इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी जी कहानियों के? जी मैं कहानियों में कथानक का होना मैं अनिवार्य शर्त मानती हूँ। अगर कहानी में कथा नहीं है तो वो कहानी नहीं है, वो लेख हो सकती है, वो और कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कहानी नहीं हो सकती। तो कथानक तो बहुत अनिवार्य है, अनिवार्य तत्व भी है कहानियों के तत्वों में। तो कथानक तो होना चाहिए, जो बीच के समय में इस तरह से कहानियां लिखी जाने लगी, जो विचार प्रधान कहानियां कही जाती हैं, जिसमें केवल विचार ही विचार हमें नजर आते हैं, हमें वहां कहानी नहीं मिलती। जैसे कि इसी तरह का लेखन बहुत सारे चर्चित लेखकों का है, शशांक जी भी उसी श्रेणी में आते हैं। कहानी पूरी पढ़ जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर कहा क्या गया है, कहानी का अंत क्या है, इसमें होना क्या चाहिए था। तो ये मैं यहाँ सहमत हूँ कि इस तरह की कहानियां पाठकों को साहित्य से दूर करती हैं, कहानियों से दूर करती हैं। लेकिन सिर्फ ऐसी ही कहानियां हमेशा नहीं लिखी गई हैं, भी हर समय में हर तरह की कहानियां लिखी गई हैं। एक समय था जब कथा प्रधान कहानियां ही लिखी जाती हैं, प्रेमचंद के समय में लिखी जाती थी, बाद में भी लिखी गई हैं और अभी भी लिखी जा रही हैं। लेकिन हमारी जो मानसिकता है उसमें जो चर्चित हो जाता है हम उसकी बात करने लगते हैं, या चर्चित करवा लेता है अपने आप को हम उसकी बात करने लगते हैं। तो हमें समग्रता से पढ़ करके अपना विश्लेषण करना चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए। और हर तरह की कहानियां पहले भी लिखी जाती थी, अभी भी लिखी जा रही हैं। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि विचार प्रधान कहानियां जो है वो पाठकों को साहित्य से, कहानी से दूर ले जाती। उर्मिला जी, कहानीकार या कवि को बनाने में प्रारंभ काल से ही पत्रिकाओं का बड़ा योगदान रहा है। आप इस बात को, मेरी इस बात से भी सहमत होंगी कि पत्रिकाएं शुरू से ही, चाहे सरस्वती निकाली जा रही थी, या बाद में प्रेमचंद जी ने हंस निकाला, या नवनीत की आपने चर्चा की, पत्रिकाओं का रचनाकारों के लिए और पाठकों के लिए पत्रिकाएं सेतु का काम करती हैं। कई बार कई कथाकार, रचनाकार पत्रिकाओं में स्वयं को स्थापित करने के बाद कोई संग्रह लाना पसंद करते हैं। आपके जीवन में पत्रिकाओं का कैसा योगदान रहा है? आपके रचना संसार में पत्रिकाओं का क्या योगदान रहा है? मैं इस विषय में बात करना चाहूंगा। मेरा सौभाग्य कह लीजिए कि मैंने जो भी लिखा और भेजा वो प्रकाशित हुआ। और आज के समय में कोई भी ऐसी पत्रिका नहीं है, हंस कथा देश से लेकर के और जो बड़ी पत्रिकाएं हैं, जिसमें मेरी कहानियां या कविताएं ना छपी हों। तो मेरे जीवन में तो बहुत ज्यादा योगदान रहा है, लेकिन मैंने वो सीढ़ी नहीं अपनाई जो और लोग अपनाते हैं, जैसे संपादकों से संबंध रखना, उनसे उनसे अपनी कहानियों या अपनी रचनाओं की चर्चा करवाना, ये सब मैंने नहीं किया। ये शायद मेरे स्वभाव में ही शामिल नहीं रहा। और मैं अपने लेखन से संतुष्ट हूँ कि मैंने जो लिखा वो प्रकाशित हुआ और पाठकों का बराबर प्यार मिला, समीक्षकों का भी मिला। तो ये आप सच कह रहे हैं कि पत्रिकाएं लेखक के जीवन में पुल का काम करती हैं, और निश्चित रूप से पुल का काम करती हैं। लेकिन हमें किस, बहुत सारे पुल होते हैं, तो हमें किस पुल से होकर के गुजरना है ये हमारा अपना, अपनी सोच होती है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत पहले किसी ने कहा था कि चर्चा की नहीं जाती, चर्चा करवाई जाती है। तो चर्चा करवाने में कभी मेरा ना तो मेरी रुचि रही, और या कह लीजिए ना ही मेरी उस तरह की सामर्थ्य रही कि मैं चर्चा करवा लूं। फिर
भी पाठक मेरे साथ रहे तो मैं संतुष्ट। आप कॉलेज में पढ़ाती हैं और आपके सामने छात्रों के रूप में युवतियां भी आती होंगी और युवक भी आते होंगे, जी यानी कॉलेज कोई कॉलेज होता होगा जहाँ पे, वहाँ पे दोनों तरह के बच्चों के साथ आपका सामना करना पड़ता हो। जी आपको कोई ऐसी घटना या ऐसी कोई बात जिसमें लगा हो कि नहीं, ये समाज जो है लड़कियों के पढ़ाई में बाधक बन रहा है, लड़कों को ज्यादा आगे बढ़ा रहा है, ऐसी कोई लड़की आपके सामने आई हो जिसको जिसने आपके जीवन में मतलब आपके कथा संसार पूरे में प्रभावित किया हो, कुछ लिखने को प्रेरित किया हो? जी बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं इतने लंबे नौकरी में जो अधिकांश की पढ़ाई बीए से आगे तक नहीं बढ़ पाती। आज के समय में तो लड़कियां एमए करने लगी हैं, और पहले जब शुरुआत हुई थी उस समय बीए से आगे नहीं बढ़ पाती थी, बीए के बाद उनकी शादी हो जाती थी। तो उनसे जब वे अपनी समस्याएं लेकर के आती थी, बहुत सारी बहुत गरीब घरों से आती हैं जहाँ फीस नहीं दी जा सकती, जहाँ भाई भी अगर है तो लोग जो हैं घर के लोग भाई को पढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं और लड़की की पढ़ाई छुड़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लड़का आगे चल करके उनके जीवन का सहारा बनेगा, लड़की तो पराए घर चली जाएगी। तो ऐसी लड़कियां अगर संपर्क में आती हैं और मिलती हैं मुझसे, तो मैं अपनी तई कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी मदद कर सकूँ, उनकी पढ़ाई जारी रह सके। जहां तक लेखन में मदद की बात है, तो मैंने कॉलेज को लेकर के अभी तक एक भी कहानी नहीं लिखी है, और मेरी किसी रचना में कॉलेज की लड़कियां या लड़के नहीं आए हैं। मेरे एजेंडा में है, मैं कॉलेज पर एक उपन्यास लिखूंगी, उस समय ये सारी स्थितियां आएंगी। तो अभी उनकी समस्याएं मेरे मन में संग्रहित हो रही हैं, और उसके बाद जब अवसर आएगा तो मैं उस पर अपनी कलम जरूर चलाऊंगी। उर्मिला जी, आप लेखिका, कहानीकार भी हैं और उपन्यासकार भी। उपन्यास एक विस्तृत विस्तृत आसमान होता है, उसका बहुत बड़ा फलक होता है, और कहानी छोटे फलक में लिखी जाती है। जी जैसा कि लेखक के सामने एक समस्या होती है विस्थापित कर दिए जाने या भुला दिए जाने, जी लगातार आप जब उपन्यास लिखने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आपको बिन ड्योढ़ी का घर लिखने के लिए 5 साल का समय लेना पड़ा था। जी आपने 5 साल लगाया, उसको रिसर्च किया, उसके विषय में पढ़ा, और उसके बाद वो किताब लिख के लेके आई। तो जब कहानी लिखना हो और उपन्यास लिखना हो, इस बीच आप कहानी भी लिखी होंगी और उपन्यास भी लिखा, तो कैसे सामंजस्य स्थापित कर लेती है दोनों चीज को लिखने का कौशल, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को कि आप जब दोनों कैसे मैं लिखती हैं। उपन्यास लिखती हूँ नीरज जी, जब मैं उपन्यास लिखती हूँ तो सिर्फ उपन्यास लिखती हूँ, मैं फिर उसका पहला ड्राफ्ट खत्म होने तक और कुछ बीच में नहीं लिखती। जैसे जिस उपन्यास को अच्छा, आने में 5 साल लगा, उसका पहला ड्राफ्ट जो है वो 3 महीने में खत्म हुआ था, तो फिर उसके बाद मैंने उसे रख दिया था। फिर उस साल मैंने कुछ भी नहीं लिखा, उसके 3-4 ड्राफ्ट करने के बाद ही फिर मैं कहानी की ओर मुड़ी। तो इस तरह से दोनों को एक साथ साधना मुझसे संभव नहीं होता, तो मैं एक काम पूरा करने के बाद ही दूसरा काम करती हूँ। हाँ, कविताएं जरूर लिख लेती हूँ बीच बीच में, क्योंकि कविता कम समय लेती है, तो कविता अच्छा, तो जरूर मैं लिखती रही, समीक्षाएं भी लिखती रही, लेकिन कहानियां उस बीच मैंने नहीं लिखी जिस बीच मैंने उपन्यास लिखा। तो बार बार कई ड्राफ्ट होने के बाद 5 साल में ये उपन्यास प्रकाशन हो करके मेरे हाथ में आया। यानी कहने का मतलब कि आप जब उपन्यास लिख रही हैं तो उपन्यास ही लिख रही हैं, कहानी लिख रही हैं तो कहानी ही लिख रही हैं, यानी दो चीजों को घालमेल नहीं करती। बिल्कुल नहीं। ये प्रश्न थोड़ा सा जटिल है, या कह सकते हैं कि एक संशय वो करता है आदमी को परेशान करने वाली बात है, लेकिन आपके प्रिय लेखकों की चर्चा मैं करना चाहूंगा यहाँ पे। आप किसको
ज्यादा पढ़ना पसंद करेंगी, करती जी हैं और किससे प्रभावित हैं? जैसा कि सभी प्रेमचंद को पसंद करते हैं, तो प्रेमचंद भी ही मेरी पहली पसंद है। प्रेमचंद के बाद अगर मैं बात करूं तो अज्ञेय भी मुझे अच्छे लगते हैं। हालांकि उनके कहानियों में व्यक्तिवाद झलकता है, वे व्यक्तिवादी सोच के लेखक रहे हैं। आगे अगर हम चलें तो मुझे मिथिलेश्वर की कहानियां अच्छी लगती हैं। हृदयेश की कहानियां मैंने बहुत पढ़ी हैं। फणीश्वरनाथ रेणु मेरे प्रिय लेखक रहे हैं। मैं अपने जीवन में उनकी तरह लिखना भी चाहती थी, इसीलिए मैंने छत्तीसगढ़ अंचल को चुना। और आप अगर पढ़ेंगे मेरा उपन्यास तो आप पाएंगे कि उसमें छत्तीसगढ़ अंचल पर ही मैंने अपने आप को केंद्रित किया है। तो इस तरह से वर्तमान में लेखिकाओं की बात अगर मैं करूं तो मैं चित्रा मुद्गल को भी मैंने पढ़ा है, उनका लेखन भी मुझे पसंद है। मृदुला गर्ग को पढ़ा है। मैत्रेयी पुष्पा मेरे मन के ज्यादा करीब है। मैत्रेयी पुष्पा चूंकि गांव को लेकर के लिखती हैं, अंचल को लेकर के लिखती हैं, मेरा भी लेखन इसी तरह से है, इसलिए शायद वो मुझे पसंद हो। तो वर्तमान में बहुत सारी लेखिकाएं हैं, लेखक हैं जिनकी रचनाएं मैं पढ़ती हूँ। सबका नाम गिनाना तो संभव नहीं है, कुछ छूट जाएंगे तो नाराज होंगे कि हमारा नाम नहीं लिया। तो इस तरह से मैं ये मानती हूँ कि लेखक इसीलिए तो मैंने कहा कि ये काम, ये बात थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि आप जी राष्ट्रीय पहचान की लेखिका हैं, और नाम लेने के दौरान कुछ नाम यदि छूट जाएं तो हो सकता जी है कि कुछ व्यक्तिगत लोग उसको अपने व्यक्तिगत अहंकार की तुष्टि उनको हो कि अरे ये जी तो मेरा नाम नहीं ली, जबकि मैं उससे ज्यादा लिखने वाली हूँ या लिखने वाला हूँ। उर्मिला जी, आपने हिजड़ों को लेकर, मैं जो आपकी जो कहानी कहानी आपका संग्रह है उसमें हिजड़ों को लेकर भी आपने एक कहानी लिखी है। हिजड़ा जी शब्द कहना थोड़ा सा, हालांकि चूंकि समाज प्रचलित शब्द है, अब तृतीय तृतीय वर्ग, थर्ड जेंडर या इस तरीके के नाम आने लगे हैं। आपको इस विषय में मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि उन उस वर्ग को, जब उनके साथ आपने लिखा है तो निश्चित ही आप उनके साथ काम की होंगी। अभी मेरे मेरी थोड़े दिन पहले बहुत सारे उन लोगों से बात भी हुई थी। अभी जया जादवानी ने भी एक कहानी, एक उपन्यास लिखा है जो हिजड़ों के ऊपर है, उनके तृतीय वर्ग के, थर्ड जेंडर के ऊपर है। उस वर्ग को जो समाज से वंचित वर्ग है, उसका उपयोग, अभी उनके जो लीडर है उसका नाम क्या सिंह है, मैं थोड़ा कंफ्यूज विद्या हो रहा हूँ, दिव्या राजपूत, छत्तीसगढ़ में दिव्या राजपूत जो कि स्वयं विद्या थर्ड, हाँ विद्या राजपूत जी थर्ड जेंडर है, लेकिन वो थर्ड जेंडर्स के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रही है, और जी उसने पुलिस के नौकरी में और कई जगहों पे उनके आरक्षण दिलाने की बात भी की है। थर्ड जेंडर्स को किस तरीके से मोटिवेट करके समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की बात आप सोचती हैं, क्योंकि आप एक लेखिका हैं और आपका कर्तव्य है कि उनके प्रति सहानुभूति ना होकर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, मैं यही बिल्कुल। जानना चाहूँ। हमारे यहाँ समाज में ये परंपरा रही है कि अगर किसी के यहाँ थर्ड जेंडर का बच्चा अगर पैदा होता है तो माँ बाप उसे अपने पास नहीं रखते हैं, माँ बाप उसे हिजड़ों को ही दे देते हैं। या पुराने जमाने में तो हिजड़े जबरदस्ती उन्हें उठा करके ले जाते थे कि ये हमारा, हमारे वंश का है या हमारे जैसा है तो हमारे साथ रहेगा। फिर वो उसको अपनी पीढ़ी में शामिल करके उसको नाचना गाना जैसे भी वो रहते थे वैसा वो सिखाया करते। आज भी समाज बहुत ज्यादा नहीं बदला है। मेरा ये मानना है कि माँ इसमें परिवार का दायित्व तो सबसे पहला है, समाज बाद में आता है, क्योंकि परिवार से मिलकर के ही समाज बनता है। तो इसमें परिवार को निर्णय लेना चाहिए। और अगर किसी के घर ऐसा बच्चा पैदा होता है तो उसे किसी को ना दे करके
थर्ड जेंडर का जो समाज है उसे ना दे करके अपने घर में पालन पोषण करना चाहिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अगर बच्चे में कोई कमी होती है तो हम उसे फेंक नहीं देते हैं, हम उसका पालन पोषण करते हैं, उसी तरह से एक शारीरिक कमी ही है तो हमें उसका पालन पोषण करना चाहिए। तो समाज को, परिवार को, सबसे पहला कदम परिवार को उठाना चाहिए दृढ़तापूर्वक कि वो अपने बच्चे को इन लोगों को ना दे, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करे। अब तो सरकार ने भी कानून बना दिया है, इनके लिए नौकरी की व्यवस्था हो गई है, तो अब तो समस्या की कोई तो बात ही नहीं है। तो ये कदम उठाने की जरूरत है। जब परिवार साथ होगा तो समाज का नजरिया भी बदलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं मानती हूँ कि नहीं, जो अभी तक जो अधिकार उन्हें नहीं मिले वो देने चाहिए, और उसे हम लोग ही दे पाएंगे, परिवार समाज दे पाएगा। और लेखक के नाते ये दायित्व तो बनता है कि इस तरह का लेखन भी सामने आए जिसमें परिवार द्वारा उन्हें अपनाया जाता सही कहा आपने। और है। मेरा यही, मैं समाज से यही कहूंगा कि जब हम थर्ड जेंडर की बात करते हैं, उनके उनको फ्रंट पे लाने की बात करते हैं, आप, मैं दिव्या सिंह राजपूत से व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं और उनके कामों को मैं देखता रहा हूं, बड़ी बड़े करीबी से देखा है मैंने, उनके साथ कई कुछ बार मीटिंग्स भी किया है। मैं एक चीज देखता हूं, जब थर्ड जेंडर की बात होती है, सब समाज उसको लेके आता है कि अरे चलो अब तुम ये काम करो, वो काम करो, और उसके बाद जब पैसे की देने की बात आती है तो सोसाइटी के लोग पीछे हट जाते हैं। फिर वो धीरे से वही ताली बजाना, वही भीख मांगना, वही ट्रेन्स में भिक्षावृत्ति करना, वो अपने ओर लौट जाते हैं। उनको लगता है कि अरे समाज हमको सिर्फ कहीं ना कहीं हमारा उपयोग कर लेता है। कई बार हमने देखा है कि उनको चुनाव के समय उनको आइकॉन बना लिया था, सरकार के द्वारा आइकॉनिक इमेज देने की कोशिश की जाती है, लेकिन बाद में उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती और फिर से वो बैक बैक टू पेवेलियन जिसको कहते हैं, वो बैक अपने ही समाज के साथ चले जाते हैं और ट्रेन में या समाज के अलग-अलग हिस्सों में घूमकर भिक्षावृत्ति करने लगते हैं। तो यहाँ पे हमें उनको मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है, उनको शिक्षा देने की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है शिक्षा की, वो शिक्षित होना, जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक एक काम थोड़ा कठिन हो जाता है। उर्मिला जी, आप लगातार सतत रचनाशील हैं, कई कहानियां लिखी, कई कविताएं लिखे लिखा आपने और लगातार लिख भी रही हैं। आप यायावर भी हैं, यायावरी करना आपके शौक में है, मैं ये रेखांकित कर रहा हूँ। आपके फेसबुक फ्रेंड्स में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ कि कई जगहों पे आप घूमने का, प्रकृति का आनंद लेती रहती हैं और उसको फेसबुक के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचाती भी रहती हैं। वर्तमान समय में युवा लेखक लगातार लिख रहे हैं। ये समय ऐसा है कि आप ये कह सकते हैं कि स्वर्णिम काल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन लिखने के लिए एक अच्छा काल चल रहा है। एक अब प्लेटफॉर्म्स की कमी नहीं है, सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको लगातार मंच प्रदान करते रहे हैं, आपके साथ मंच साझा करने की। वो दौर था जब पत्रिकाओं को पत्रिका एक कहानी भेजिए, फिर वो कहानी छपी कि नहीं छपी उसका इंतजार करते रहिए, और फिर वहां से कई बार संपादक उसके पर प्रतिक्रिया भी नहीं भेजते थे या प्रतिक्रिया देना भी उनको अच्छा नहीं लगता था। और अब तो वो समय नहीं रह गया, अब संक्रमण उतना ज्यादा, एक विस्तृत प्लेटफॉर्म हमारे सामने है। लिखता है लेखक या कवि और तत्काल पोस्ट कर देता है। इस आपाधापी में, इस चक्कर में
युवक समझ नहीं पाता, वो घन चक्कर में फंस जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या चीज को पोस्ट करना है क्या नहीं करना है। वो कई बार ऐसी चीजों को, ऐसी अनगढ़ चीजों को भी तत्काल फेसबुक पे डाल देता है, लगता है कि उसको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है और बहुत ज्यादा वो प्रसिद्धि पाने की लालसा। हालांकि हर लेखक के अंदर प्रसिद्धि पाने की लालसा होती है, लेकिन नया लड़का कुछ नया तत्काल देने के चक्कर में वो फेसबुक पे पोस्ट कर देता है या कहीं भी दूसरे उस पे कर देता है। उर्मिला जी, आप साधक हैं, लगातार साधना कर रही हैं, नए लड़कों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से रचना प्रक्रिया को अपनाएं और किस तरीके से समाज के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें, और समाज को, जैसा कि आज भी हम प्रेमचंद जी को, चाहे कोई भी लेखक हो, प्रेमचंद जी का नाम लिए बिना आगे नहीं बढ़ता, उस वैसे स्थिति में ला पाने में स्वयं समर्थ हो सके, तो क्या वो देंगी आप नए लड़कों को, नए बच्चों को? है जो मैं देख रही हूँ, मेरे अनुभव से गुजर रहा है, जो लिखते हैं वो पढ़ते नहीं है, युवा भी उसमें शामिल है। तो अपने से वरिष्ठों को पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना ज्यादा लिखना कम। जब ऐसा होगा तभी रचना मंच पाएगी। और अपनी रचना के प्रति निर्मम होना भी बहुत जरूरी है। अपनी रचना के प्रति मोह सब में होता है, लेकिन बगैर मोह को पाले अपनी रचना को लिख करके फाड़ करके फेंकने की हिम्मत भी होनी चाहिए। तो इस तरह से जब छन करके कसौटी पर कस करके रचना आएगी तो वो रचना सार्थक होगी। पत्र पत्रिकाएं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि आपकी रचना तब संपादक की नजरों से होकर के गुजरती है, उससे आपके मन में एक आत्मविश्वास भी आता है। फेसबुक ने यह तो कर दिया है कि जो लिखे वो छप जाए, लेकिन इसीलिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उसकी समझ लोगों को नहीं आ पाती। तो इसकी समझ विकसित करनी होगी। अगर आप किसी पत्रिका में नहीं भेज रहे हैं, फेसबुक पर ही पोस्ट कर रहे हैं, तो अपनी आलोचना सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। सिर्फ लाइक और तारीफ के लिए काम नहीं करना चाहिए, जैसा कि आजकल का चलन चल पड़ा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पढ़ें ज्यादा लिखें कम, जो लिखें वो सार्थक लिखें, और अपनी ही कसौटी पर कसने के बाद जब उन्हें लगे कि हाँ यह बहुत अच्छी है, तभी उसे पोस्ट करें या तभी उसे किसी पत्रिका के लिए प्रकाशन के लिए भेजें। सबकी बहुत अधिक आभारी हूँ, नीरज जी की, जन सरोकार मंच की, और अपने सुनने वालों की जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी बात को उन्होंने सुना। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।